दोस्तों, अगर आप लोगों के भी ई रिक्शे में एक्सीलेटर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप गाड़ी चलाते समय अगर एक्सीलेटर आप इस तरीके से लेते रहते हैं तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक छोड़ देता है। ये क्यों छोड़ देता है, मतलब बार बार इसे आपको दोबारा से ऐसे करना पड़ता है तो आगे बढ़ता है फिर छोड़ देता है। इसका प्रॉब्लम आज फिक्स करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जो एक्सीलेटर प्रॉब्लम है कैसे दूर होगा, पहले आप लोगों को इस बैटरी वाले पार्ट में आना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी बैटरी लगी है, इसमें भी लगी है। पहले इस बैटरी के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं इसमें क्या करना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है, आप लोग देखिए यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है। इसे आपको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। इसे खोलने के बाद इसको भी आप लोगों को साफ़ कर लेना है। ये जितने कार्बन हैं इन्हें साफ़ कर लेना है। ये जो इसका वायर गया है इससे बैटरी से, इसे कार्बन की वजह से इसमें जो बोल्ट होता है वो अच्छे तरीके से मिल नहीं पाता है, इसलिए ये ऑटोमेटिक छोड़ देता है एक्सीलेटर। इसको आप लोगों को बैटरी से इसे कार्बन को साफ़ कर लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद आप लोगों को, जैसे यहाँ पर आपका कार्बन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को और क्या करना होता है बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो बैक करने की बटन होती है और आगे करने की बटन होती है, मतलब यहाँ पर अगर ये बटन भी आपके अगर ख़राब होती है तो इसके वजह से भी आपका एक्सीलेटर प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि ये बटन अगर इस तरफ रहेगी पीछे जाता है, इस तरफ रहेगा तो आगे जाएगा। जब ये ख़राब हो जाएगी तो समझो ये कहीं पर नहीं काम कर रही है, केवल बैक में काम कर रही है, तो इसलिए ये आगे नहीं बढ़ेगी। इसके वजह से भी आपकी प्रॉब्लम आती है। और आपको बताते हैं कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें तीन चार प्रॉब्लम आती हैं, तो ये आपको जानकारी दे देते हैं। अगर आप कहीं पर रास्ते में जा रहे हैं तो आप फंसे ना, इसलिए आपको बताते हैं। यहाँ से इस चार्जर को यहाँ से निकाल कर रखेंगे इस साइड, कि आप लोग कैसे इसे आप ठीक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ से चार्जर इसे यहाँ से रखेंगे, यहाँ पर यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक MCB लगी हुई है। ये अगर आपकी नीचे हो जाती है तो आप अगर चाबी लगाएंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसी से सारा कंट्रोल होता है। इसी से जब इसमें बोल्ट पास होता है तो ये आगे चलने लगती है। इसलिए इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपकी गाड़ी एकदम से खड़ी हो गई है, मतलब रुक गई है, इसे आप लोग हमेशा ऊपर कर देंगे, चलने लग जाएगी। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तार लगा हुआ है इस चार्जर का, जिसे ये बोल्ट कंट्रोल करता है, तो इसकी मोटर जो लगी हुई है ये चलने लगती है। तो यही सारा कुछ प्रोसेस होता है जिसे मैंने बारीकी से आप लोगों को समझाया। इस तरीके से आप लोग अपने गाड़ी का एक्सीलेटर, अगर गाड़ी भी न बढ़ रही हो तो इस तरीके से आप लोग इसे ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।